किया, ये करने के बाद इन सबको मैंने साथ सिलेक्ट किया, इसको मिडल अलाइन किया, कंट्रोल डी करके छोटा किया, एंटर, और यहाँ पे जाके मैंने सेट किया। अब मेरी तीनों लेयर्स साथ में सिलेक्टेड हैं। अगर मैं इन तीन लेयर को एक साथ जोड़ के रखना चाहूँ तो यहाँ पे एक ऑप्शन है बिन, जिसको मैं क्लिक करता हूँ। अब मैं चाहे एक सिलेक्ट हो चाहे सारी सिलेक्ट हो, आपके तीनों साथ में मौजूद हूँ, क्योंकि इस ग्रुप के दरमियान में एक चेन बना रही है। 1, 2, 3 राइट साइड का आपका ऑप्शन है, एक चेन बना रही है। अगर आपने इसको कॉपी भी करना है तो आप चेन को सिलेक्ट किया, कंट्रोल टी छोटा कर दिया, बिल्कुल उसके सेंटर में सही हो गया। अब मुझे लगता है ये वाला थोड़ा सा खाली हो गया है, इसके अंदर भी कुछ कर, लेकिन यहाँ से मैंने सेक्शन लिया, एक मैंने ओवल बनाया, तो मैं कर देती हूँ येलो कलर का। ओवल बनाने के बाद मैंने यहाँ से ब्लू लेयर लिया और बैक पे कंट्रोल डी। अच्छा, इसको अगर मैंने डुप्लीकेट करना है, एक तो ऑल्ट वाला तरीका था और एक तरीका क्या था कि आप इस लेयर को सेलेक्ट करके कंट्रोल जे से ये डुप्लीकेट लेयर सेम जगह पर, एक हमारे पास ये लेयर मौजूद थी, कंट्रोल जे से दूसरे हो गए, कंट्रोल टी प्रेस किया और इसका कलर जो है वो बहुत ज़्यादा लाइट है। कलर चेंज कैसे करेंगे, अपने कंट्रोल प्रेस करके इस लेयर में इस बॉक्स के ऊपर क्लिक करेंगे, आपका सिलेक्शन दोबारा भी करेंगे, यहाँ पर कलर प्लेस और नीचे वाली लेयर की गई, कंट्रोल प्रेस करके क्लिक किया, सिलेक्शन पर गई और सर्कल बना के मूव भी कर सकते हैं, क्लिक छोड़े बगैर आप स्पेस बार प्रेस करेंगे तो आप अपने जगह डिसाइड कर सकते हैं, और कंट्रोल बैक पे और यहाँ पे जाके मेरी सर्कल बना दिया है, और आप इसे जगह स्पेस बार प्रेस करके कंट्रोल डी। आपकी ये सारी जितनी भी चीज़ें हैं जो आपका बन गया पैटर्न। पैटर्न क्या होता है, एक